हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज सब्लिमेशन। ये एक और सेपरेशन टेक्निक है, लेकिन बिफोर के हम सब्लिमेशन की डिटेल में स्टडी करें, हमें पहले थोड़ी सी चीजें जानती हैं वो समझ लेनी चाहिए। मेटल जो है इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं। तीन फिजिकल फॉर्म्स बेसिकली, मतलब क्या है कि मैटर जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो इन तीन शक्लों के अंदर जो है वो मौजूद होगा। वो कौन कौन सी शक्लें हो सकती हैं? नंबर वन इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। आप अपने इर्द गिर्द जितना भी मैटर देखते हैं, या वो सॉलिड है, या वो लिक्विड की शक्ल में मौजूद है, या वो गैस की शक्ल में मौजूद है, दीज आर थ्री फिजिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर, या इनको हम फेजेस भी कहते हैं या स्टेट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, के मैटर किस स्टेट में मौजूद है, फेजेस, फेज ऑफ मैटर, या फिजिकल फॉर्म्स के। इन तीन जो होती हैं फिजिकल फॉर्म्स के अंदर मैटर मौजूद हो सकता है। नेचुरली आप कोई भी चीज देखते हैं अपने इर्द गिर्द, वो इन तीनों में से किसी एक शक्ल में एग्जिस्ट कर रही होगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक से ज्यादा में भी एग्जिस्ट करती हैं नेचुरली, लेकिन नेचुरली नॉर्मली एक चीज किसी एक स्टेट ही में एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो वाटर है आपका, वाटर ये एक ऐसा कंपाउंड है नेचुरली जो है नेचुरली अकर्स इन थ्री स्टेट्स। कुदरती तौर पे जो है वाटर इन तीनों स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। हमारे इर्द गिर्द वाटर के वेपर भी मौजूद हैं, गैस फेज भी नेचुरली मौजूद है। हमारे इर्द गिर्द जितना पानी है लिक्विड फॉर्म में वो तो है, दरिया है, समुंदर है, और हमारे इर्द गिर्द ही सॉलिड शक्ल में भी नेचुरली हमारे पास पहाड़ों की बर्फ है, ग्लेशियर हैं, समुद्र के समुद्र जो हैं वो जमे हुए हैं, दैट इज नेचुरली। तो वाटर इज द ओनली कंपाउंड जो कि नेचुरली इन तीन स्टेट्स के अंदर कुदरती तौर पर एग्जिस्ट करता है। नॉर्मली नेचुरली जो है कोई भी चीज किसी एक में एग्जिस्ट करती है, और अगर आपने उसको किसी दूसरी स्टेट में लेके आना है तो फिर हम उसे कुछ ना कुछ करते हैं ताकि उसकी स्टेट बदल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आयरन है, आयरन का रॉड है, तो ये सॉलिड है, और अगर मुझे इसको पिघलाना है, लिक्विड बनाना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको हीट अप करूंगा और ये मेरे पास कलेक्ट हो जाएगा लिक्विड की शक्ल। तो नेचुरली ये सॉलिड था, आपने कुछ किया और ये लिक्विड बना, लेकिन वाटर जो है वो नेचुरली सॉलिड में भी मौजूद है, लिक्विड में भी मौजूद है, और गैसेस में भी मौजूद है। अब हम देखते हैं कि हम क्या ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से किसी भी चीज की जो उनकी स्टेट है, फिजिकल फॉर्म जो उनकी है, या फेज जो उनका है, वो चेंज होता है, और उन चेंजिंग के डिफरेंट नेम्स हैं, उनको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं बिफोर इसके कि हम सब्लिमेशन पे जाएं। ओके जी, गैस, सॉलिड, बल्कि गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। हम सॉलिड से शुरू होते हैं, सही है। आपके पास बर्फ है या आपके पास कोई भी सॉलिड है, हम क्या करते हैं कि वो लिक्विड बन जाए, हम उसको हीट करते हैं। किसी भी सॉलिड को आप हीट करेंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। हीट करने से सॉलिड का लिक्विड में जाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। अगर मेरे पास एक ग्लास में बर्फ थी और वो कुछ देर बाद पानी बन गया, तो मैं कहता हूँ बर्फ क्या हो गई है, बर्फ पिघल गई है। हम इसको क्या कहते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है, ये मेल्टिंग का प्रोसेस है, इसका नाम होता है मेल्टिंग। सॉलिड से चीज जो उनकी है वो लिक्विड में आ गई है, मेल्ट हो गई है। अब जब एक चीज लिक्विड में आ गई है, आप उसको फर्दर हीट करते हैं, आप उसकी हीटिंग कंटिन्यू करते हैं, उसको फिर से हीट करते हैं। तो जब आप उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, हम क्या कहते हैं, लिक्विड था मेरे पास वाटर का, वाटर को मैंने हीट किया, थोड़ी देर बाद वो उड़ गया सबका सब, बीच में गैस की शक्ल में वेपर्स बन गए उसके,
तो मैं उसको कहता हूँ जी कि मेरे पास क्या हो गई है, इवेपोरेशन हो गई। हीट करने पे व्हेन सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग, एंड व्हेन लिक्विड टर्न्स इनटू गैस स्टेट या वेपर बन जाते हैं तो हम उसको कहते हैं इवेपोरेशन हो गई। सही हो गया। ये तो थी टिपिकल जो चीजें हम डेली लाइफ में देखते हैं। अब अगर मैं इसका उल्टा करूं, अगर मैं गैस को लूं और गैस को ठंडा करूं, अगर मैं गैस को ठंडा करूं तो गैस क्या होगी, लिक्विड की शक्ल में आ जाएगी। आप एक ग्लास लें वाटर का, ये ठंडा वाटर है, आइस कोल्ड वाटर है, ठीक है, आपके अंदर बर्फ पड़ी हुई है। इसके बाहर जो है, आपने देखा है कि बाहर जो सा है ग्लास की बाहर वाली सरफेस के ऊपर आपके पास वाटर के ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पकड़ लें, कोई भी ठंडी चीज लें, उसके बाहर जो सा है वाटर जो सा है लिक्विड फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाता है। वो क्या होता है, वो बेसिकली जो ये ठंडा है बाहर जो एयर में वाटर के वेपर हैं वो इसके साथ आके टकराते हैं, इसके साथ आके टकराते हैं, गैस की फॉर्म में थे लिक्विड की फॉर्म में आ जाएंगे, ठंडे होके हम कूल कर रहे हैं ना, तो गैस से ये लिक्विड के फॉर्म में आ जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसका नाम होता है कंडेंसेशन। हम क्या कहते हैं कि गैस जो है वो कंडेंस होके लिक्विड की फॉर्म में आ गई है। जैसे आप कभी मार्केट जाएं मिल्क लेते हैं तो एक मिल्क होता है कंडेंस्ड मिल्क, तो यही होता है कि उसमें क्या होता है कि कंडेंस किया होता है, उसे थिक किया होता है। ये गैस के मॉलिक्यूल जो दूर दूर थे ये ठंडे हुए और एक दूसरे के करीब आके लिक्विड की शक्ल में आ गए, हमने कहा जी कंडेंसेशन हो गई। फिर आप लिक्विड को मरीज ठंडा करें अगर तो वो सॉलिड बन जाता है। आप अपने ग्लास के अंदर पानी लें या किसी बर्तन में पानी लेके फ्रीजर में रखते हैं तो कुछ घंटों के बाद वो बर्फ बन जाती है, आइस बन जाती है, सॉलिड हो जाती है। तो इस प्रोसेस में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी कि जो पानी हमने रखा था वो क्या हुआ, वो जम गया। इस प्रोसेस का नाम है फ्रीजिंग। यहाँ पे मैं एक मेंशन कर दूं कि जो ऊपर जाने वाला साइन है इसका मतलब है हीटिंग, आप उसको हीट कह रहे हैं, और जो नीचे आने वाला साइन है इसका मतलब है आप उसको कूलिंग कर रहे हैं। ये तो हो गई जी, इसको मैं दोबारा से बता दूं, सॉलिड जब लिक्विड में जाएगा प्रोसेस विल बी मेल्टिंग, लिक्विड जब गैस में जाएगा प्रोसेस विल बी कॉल्ड इवेपोरेशन, गैस से जब लिक्विड में आएगी तो कंडेंसेशन, और लिक्विड से जब सॉलिड में आएगी तो फ्रीज। समटाइम्स क्या होता है, आप जब सॉलिड को हीट करते हैं तो कुछ सॉलिड की प्रॉपर्टीज इस तरीके की होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि नॉर्मली कोई भी चीज जब आप हीट करते हैं तो वो लिक्विड में जाती है और लिक्विड के बाद गैस में जाती है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आपका सॉलिड जो है उसको जब आप हीट करते हैं तो वो लिक्विड फेज में नहीं जाता, लिक्विड फेज को स्किप करके वो डायरेक्ट जो है गैस फेज में चला जाता है। इससे कुछ सॉलिड होते हैं जो कि लिक्विड फेज को विदाउट इवेपोरेशन, विदाउट मेल्टिंग, मेल्ट हुए बगैर वो डायरेक्ट इवेपोरेट हो जाते हैं, वेपराइजेशन डायरेक्ट हो जाती है। क्या होता है इसके अंदर, ये सॉलिड से डायरेक्ट जो है गैस में चले जाते हैं, कुछ सॉलिड इस तरह के होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। सब्लिमेशन करते कैसे हैं वो तो हम बाद में देखेंगे, तो पहले हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सॉलिड से जब कोई चीज गैस में ही चली जाए डायरेक्ट विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड फेज तो वो प्रोसीजर क्या होता है, सब्लिमेशन। अब वो वाला सॉलिड जो कि लिक्विड फेज को स्किप करके गर्म होने पर गैस फेज में चला गया था, वो ठंडे होने पर गैस फेज से वापस आपके पास सॉलिड फेज में आएगा, क्योंकि चूंकि वो उसके अंदर लिक्विड फेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, जब वो गर्म उसको किया था हमने और उसको हीट किया था तो वो गैस फेज में चला गया था, तो जब अब उसको हम ठंडा करेंगे तो वो वापस सॉलिड की शक्ल में आ जाएगा। तो जब भी गैस कोई ऐसी ठंडी होके सॉलिड बन जाए तो उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं डेपोजिशन। ये बेसिक तीन कॉन्सेप्ट है फेज चेंज के हवाले से, कि लिक्विड से गैस में जाएगा तो क्या होगा, गैस से लिक्विड में आएगा तो प्रोसेस का क्या नाम होगा। तो ये सारी चीजें आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए इन केमिस्ट्री, ये बहुत ही बेसिक चीजें और ये बहुत ही आसान भी है। इसको मैं दोबारा से समराइज कर रहा हूँ, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग होती है,
लिक्विड से गैस एवेपोरेशन होती है। गैस से लिक्विड, ये मैंने एग्जांपल दी वाटर वेपर्स की, जो बाहर पानी जमा हो जाता है ठंडी बोतलों में, वो इसकी एग्जांपल है सिंपल कंडेंसेशन। और लिक्विड से जब सॉलिड में आता है तो फ्रीजिंग। लेकिन कुछ सॉलिड इस तरह के होते हैं कि वो लिक्विड को स्किप करके डायरेक्ट गैस में चले जाते हैं, दे आर कॉल्ड सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। और वही वाले गैस के वेपर जब ठंडे होने पर वापस सॉलिड बन जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डेपोजिशन। यही सारी समझी जो है हमने यहाँ पे इस तस्वीर में भी देख लेते हैं। ये जो साइड पे ऊपर का एरो है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर को जा रहे हैं तो एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम बढ़ रही है। एंथैल्पी का मतलब है हीट, मतलब क्या है कि ऊपर को आप हीट कर रहे हैं और नीचे को आप कूल कर रहे हैं। ये अगर ये वाला एक एरो है, ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी लेंथ जो है यहाँ से यहाँ ऐसे जा रही है, तो ये जो इसकी ऊपर ऊपर की तरफ एरो है, ये शो कर रहा है कि ये हीट हो रही है। और ये नीचे की तरफ जो आ रहा है तो इस पे एंथैल्पी कम हो रही है, इसकी एंथैल्पी कम होने का मतलब है कूल हो रही है। तो ये इसने इस तरीके से मेंशन किया। यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड से गए लिक्विड में, इसको मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। एंथैल्पी इसकी बढ़ रही है, मतलब हम उसे गर्म कर रहे हैं। सॉलिड से लिक्विड में जाएगा हीट होगा, लिक्विड से गैस में जाएगा वेपराइजेशन होगी। अगर वो गैस से सॉलिड में आ गया है, गैस से सॉलिड में आ गया तो डेपोजिशन, जो भी हमने पढ़ा। अब हम इसको ठंडे करने की तरफ आते हैं। ये गैस से जब लिक्विड में कोई चीज आती है तो वो कंडेंसेशन कहलाती है, लिक्विड से जब वो वापस सॉलिड में आएगी तो फ्रीजिंग होती है, और जब गैस से सॉलिड में आएगी तो डेपोजिशन, और जब सॉलिड से गैस में डायरेक्ट चली जाएगी तो सब्लिमेशन। तो ये था सब्लिमेशन, ताकि हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हों कि सब्लिमेशन होती क्या। अब हम देख लेते हैं कि सब्लिमेशन को परफॉर्म कैसे करते हैं। ये भी बेसिकली एक सेपरेशन टेक्निक है। समटाइम्स क्या होता है, आपका जो सॉलिड है जो कि सब्लिमेशन जिसकी होनी है, या जो ऐसा मटेरियल है जो कि सब्लिमेट है, उसके अंदर कुछ अगर इम्प्योरिटी आ गई है तो उस इम्प्योरिटी को हम सब्लिमेशन के थ्रू सेपरेट कर लेंगे। हम उसे जब गर्म करेंगे तो उसके वेपर्स ऊपर को जाएंगे जबकि इम्प्योरिटी नीचे रह जाएगी। आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल्स उसमें ऐसे मटीरियल्स की मेंशन की हुई हैं जो कि क्या हैं, सब्लिमेट होते हैं, जो कि सब्लिमेशन की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। आयोडीन है, नेफ्थलीन, फिर उसके बाद आ जाता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, और फिर एक है और बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड का सब्लिमेशन वाला एक्सपेरिमेंट भी आप लोग परफॉर्म करेंगे अपनी लैब्स वगैरह के अंदर। अब इसके अंदर हम करते क्या हैं, हम एक वॉच ग्लास के अंदर अपना सॉलिड ले लेते हैं, और सॉलिड के ऊपर जो है हम इन्वर्टेड फनल, फनल वैसे तो इस तरीके की होती है लेकिन अगर हम उसको उल्टा कर दें तो वो ये बन जाएगी, इसको कहते हैं इन्वर्टेड फनल। इन्वर्ट करके आपने उस ग्लास के, वॉच ग्लास के ऊपर आपने रख दी। ये आपका सॉलिड था जो कि सब्लाइम मटेरियल है, ये सब्लिमेट है, और इसके ऊपर ये आपने इन्वर्टेड फनल रख दिया। ये फनल का जो ओपन एंड है इसको आपने बंद कर देना है, तो ये इसको किसी कॉटन के प्लग से, कॉटन प्लग से इसको आपने कर देना है बंद। अगर तो ये ऐसा मटेरियल है कि जिसको आग लग सकती है, तो फिर हम एक और ट्रे लेंगे जिसके अंदर वाटर बाथ या सैंड बाथ, वाटर या सैंड होगी, और फिर हम उसको जो है नीचे उसके चूल्हा लगाएंगे, डायरेक्ट उसको हीट करने से वो आग पकड़ सकते। तो ये हो गया वो सब्सटेंस जिसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं, सब्लिमेट है लेकिन इम्प्योरिटीज हैं, तो हम इसको गर्म करेंगे। अब जब गर्म करेंगे ये मेल्ट नहीं होगा, सब्लिमेशन होनी है, ये डायरेक्ट वेपर की शक्ल में ऊपर जाएगा, वेपर सारे इधर इकट्ठे होंगे। ठीक है, ये जो कॉटन प्लग है ये वेट होती है, ठीक है, इसके बाहर जो है हम वाटर को गीला करते हैं, बाहर से जब गीला करेंगे अंदर जो वेपर है वो ठंडा है, वो गर्म है सॉरी, ऊपर जाएगा तो ऊपर का टेम्परेचर जो होता है वो कम है, वो ठंडा है ऊपर, ये जब गर्म से ठंडा होगा तो ये वापस डिपॉजिट हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि जब आप ठंडा ग्लास पानी का लेते हैं आइस वाला, तो उसके बाहर ड्रॉपलेट आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो उनकी गैस थी वो किसमें आ रही होती है, लिक्विड के अंदर। सही,
यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बाहर से चीज ठंडी है तो अंदर जो सा वेपर है वो लिक्विड में तो नहीं आएगा क्योंकि ये सब्लिमेशन हो रही है, लिहाजा वो डायरेक्ट सॉलिड में आ जाएगा। और जो अंदर वाली साइड है इस इन्वर्टेड वॉच ग्लास की, उसकी वॉल्स के साथ वो सॉलिड जो है आपका चिपकना शुरू हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। हम कहते हैं जी कि डिपोजिशन हो गई। यहाँ पे सब्लिमेशन और डिपोजिशन दोनों हो रहे हैं। यहाँ पे आपने जब इसको हीट किया सॉलिड जो है वेपर फॉर्म में जाएगा, ये क्या है, ये है सब्लिमेशन। और यही जब वेपर है वापस सॉलिड में आएगा, तो जो हम पीछे पढ़ के आए हैं गैस से सॉलिड में आने को, तो ये जो है इसके ऊपर डिपोजिशन हो जाएगी इनर साइड ऑफ द फनल। तो ये हमारा टॉपिक था अबाउट सब्लिमेशन, और ये एग्जाम्पल्स हैं कि कौन कौन सा मटीरियल जो है वो सब्लिमेशन को शो करता है। तो सब्लिमेशन से पहले हमने डिटेल इस वजह से जानी ताकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि फेज चेंज क्या होता है, और जब कोई चीज अपना फेज चेंज करती है तो उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं। ये तो था सब्लिमेशन। अब हमारा अगला जो टॉपिक है आज का, वो भी एक सेपरेशन टेक्निक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है और ये बड़ी थोड़ी सी टेक्निकल भी है, आपको इसको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। हमें पता है कि अगर मेरे पास ये वाटर है, बल्कि मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि मेरे पास ये सॉल्वेंट वन है, एक सॉल्वेंट है, और एक और कंटेनर है मेरे पास, और उसके अंदर ये कोई दूसरा सॉल्वेंट है, तो मैं उसको, ये दो सॉल्वेंट है सही है, मैं इसके अंदर अपना कोई सोल्यूट डालता हूँ, कोई भी सोल्यूट ए है। मैंने क्या किया, 20 ग्राम्स इसके अंदर डाल दिए ए के, 20 ग्राम्स इसके अंदर डाल दिए। अब आपके क्या ख्याल में 20 का 20 ग्राम इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा, और क्या 20 का 20 ग्राम इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा? नहीं होगा। इसका आंसर है नहीं होगा। क्यों? हो सकता है कि इसके अंदर 20 में से 18 ग्राम हो जाए और इसके अंदर 20 का 20 ग्राम ही हो जाए। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट हमारे पास दोनों केसेस में डिफरेंट है। हो सकता है सॉल्यूट की सोल्युबिलिटी सॉल्वेंट वन के अंदर ज्यादा कम है और सॉल्वेंट टू के अंदर ज्यादा है, तो आपके डिफरेंट आपका सेम सॉल्यूट जो है वो डिफरेंट सॉल्वेंट्स के साथ डिफरेंट तरीके से डिजोल्व होगा, किसी ने ज्यादा और किसी ने कम। ये तो सीधी सी बात है। अब हम क्या करते हैं, हम इसी टेक्निक को एक्सप्लॉइट करते हैं और अपनी चीज को अलहदा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वन एंड सॉल्यूशन टू, दोनों के अंदर सेम सॉल्वेंट मैंने मिक्स किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो चीज है सोल्युबिलिटी उसकी कम थी और इसके अंदर ज्यादा, इसके अंदर वो मोर सोल्यूबल है और इसके अंदर वो लेस सोल्यूबल है। ठीक है, अगर मैं इनको मिक्स कर दूं तो क्या होगा, इस तरीके को हमने बस अपने इसके अंदर यूज करना है। अब मैं कहता हूं जी मेरे पास ये एक सॉल्वेंट है सॉल्वेंट ए, इसके अंदर मैंने अपना सॉल्यूट डाल दिया बी, और बी जो है कि कुछ क्वांटिटी ए के अंदर डिजोल्व हो गई, और अब मेरे पास क्या है सॉल्यूशन है किसका, बी इन ए, बी सॉल्यूट है और ये ए सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो गया है और ये मेरे पास सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली ए बी चाहिए, मुझे मेरा सॉल्यूट जो है वो मैं रिकवर करना चाह रहा हूँ, अपना सॉल्यूट मुझे अपना सॉल्यूट इससे वापस चाहिए, इससे बाहर निकालना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर इस सॉल्यूशन के अंदर एक ऐसा सॉल्वेंट डालूंगा सिलेक्ट करके अपनी मर्जी का, जिसके अंदर जो बी है जो सॉल्यूट है ये
ये ज्यादा डिजोल्व होता हो एक ही निस्बत, जितना ये बी इस सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट ए के अंदर डिजोल्व हुआ हुआ था उससे ज्यादा डिजोल्व होता हो इस सॉल्वेंट नंबर टू के अंदर, जो दूसरा सॉल्वेंट मैं बाहर से डाल रहा हूँ उसके अंदर। जब ये सॉल्वेंट इस सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो क्या होगा, जो बी की क्वांटिटी इसके अंदर मौजूद थी वो मूव कर जाएगी इस सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपने जब दो सॉल्वेंट लिए, सॉल्वेंट वन एंड टू, इसकी लेस थी, इसके अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी मोर थी, सॉल्यूशन इसके अंदर बना हुआ था, जब मैंने ये बाहर से डाला तो वो इसमें से निकल के इसमें जाना शुरू हो जाएगा और मेरे पास एक नई लेयर बन जाएगी लिक्विड्स की। मेरे पास इस तरीके से दो लेयर्स बन जाएंगी, लेयर ए और लेयर बी। जो बी के अंदर था पहले से वो निकल के सोल्यूट अब ए लेयर के अंदर आना शुरू हो जाएगा। इस तरीके को, इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, वो हमारी बुक में एग्जांपल दे रहा है जी अबाउट ईथर एक्सट्रैक्शन। ईथर को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ना, ये आपका सोल्यूट है, इसको आपने बेसिकली रिकवर करना है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, मैं इसको ओ कह देता हूँ। अब ये मौजूद किसमें है, ये मौजूद है पानी के अंदर, H2O, ये सारा वाटर है और वाटर के अंदर क्या मौजूद है, ओ, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अब हमें पता है कि वाटर जो है ऑर्गेनिक नहीं है, ये चीज ऑर्गेनिक है तो वाटर के अंदर ये बहुत ज्यादा डिजोल्व नहीं होगी, लेकिन हमारे पास अब ये वाटर के अंदर मौजूद है और हमने इसको अलहदा करना, तो मैं अब क्या करूंगा, मैं एक और सॉल्वेंट लूंगा, सॉल्वेंट जो कि क्या होगा, ऑर्गेनिक। मैंने ले लिया ईथर, ईथर ऑर्गेनिक है, ये ईथर अब पानी के साथ मिक्स नहीं होता। ये चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर आपके जो उनसे दो सॉल्वेंट हैं, सॉल्वेंट ए और सॉल्वेंट बी, ए के अंदर आपका सॉल्यूट मौजूद है और आपने बी अब इसके अंदर ऐड करना है ताकि सॉल्यूट ए में से निकल के बी में आ जाए, तो आपका ये बी ऐसा होना चाहिए जो कि इसके अंदर इमिसिबल हो, उसके साथ मिक्स ना हो। अगर मैंने ए बी के अंदर डाला और ए और बी आपस में मिक्स हो गए तो फिर तो मैं सोल्यूट अलहदा नहीं कर सकूंगा, फिर तो मेरे पास अलहदा अलहदा लेयर भी नहीं बनी। तो मुझे ऐसा सोल्यूट डालना है, बाहर वाला सॉल्वेंट ऐसा डालना है जो कि पहले वाले सॉल्वेंट के साथ मिसिबल ना हो, उसके साथ मिक्स ना हो जाए। अब ये सॉल्वेंट चूंकि ईथर है, ईथर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये पानी के साथ मिक्स नहीं होगा, तो ये बेस्ट है, मैं इसको उठा के इसके अंदर डाल दूंगा, वो ओ की क्वांटिटी जो इसके अंदर मौजूद थी वो अब इसके अंदर आना शुरू हो जाएगी। मैं इसको शेक करूंगा, ये मेरे पास एक फनल है, इसको हम कहते हैं सेपरेटिंग फनल। अब इसके अंदर मैंने पहले से मेरे पास ये वाटर की लेयर मौजूद थी, मैंने ईथर डाला, ईथर की अपनी लेयर बन गई, मैंने दोनों को शेक किया बहुत अच्छे तरीके से, इसको बहुत ज्यादा आप शेक करेंगे ऊपर नीचे शेकिंग। जब आप शेक करेंगे तो क्या होगा कि जो सॉल्वेंट इस वाटर के अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मौजूद थी ओ, ये इससे निकल के अब इसके अंदर आना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ओ की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर कम थी और ओ चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ईथर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये इसके अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो ये वाटर में से निकल के इसमें आना शुरू हो जाएगा। जब मैं इसको अच्छी तरह हिला चुकूंगा तो फिर मैं इसको सेटलिंग टाइम दूंगा। जब मैं इसको सेटलिंग टाइम दूंगा तो मेरे पास इस तरीके से दो लेयर्स बन जाएंगे और फिर मैं नीचे से इस प्लग को खोल के एक लेयर सेपरेट कर लूंगा और दूसरी लेयर सेपरेट कर लूंगा। अब जो मेरे पास आएगा ईथर, ये खाली ईथर नहीं होगा, इसके अंदर ओ भी मौजूद होगा अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर जो मुझे चाहिए। मैं क्या करूंगा, ईथर को वेपरेट कर दूंगा और ओ मेरे पास क्रिस्टलाइज हो जाएगा।
तो इस तरीके से आपने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की, आपने एक बाहर से नया सॉल्वेंट ऐसा डाला जिसकी सोलिबिलिटी, जिसके अंदर उस सोल्यूट की सोलिबिलिटी ज्यादा थी, तो वो उस लेयर से निकल के इस लेयर में आ जाएगा। और सॉल्वेंट आपने इस तरीके का डालना है कि वो पहले वाले सॉल्वेंट के साथ मिक्स नहीं हो, तो आपके पास क्या होगा, रिक्वायर्ड जो सी चीज है वो अलहदा हो जाएगी। अब आपकी बुक में वो मेंशन कर रहा है जी कि ये जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करती है ये सारी चीज, जो आपकी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, ये लॉ ये कह रहा है कि जो सोल्यूट है वो ए और बी, ए पहले सॉल्वेंट और दूसरे सॉल्वेंट के दरमियान अपने आप को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस लॉ स्टेट्स दैट अ सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स, ये दोनों आपस में मिसिबल नहीं है, ये मिक्स नहीं होंगे आपस में, इमिसिबल लिक्विड्स इन अ कॉन्स्टेंट रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन, इनके दरमियान जो होती है रेशियो कौन सी होगी, कॉन्स्टेंट होगी, कॉन्स्टेंट रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन इन दोनों के दरमियान। कह रहे जितना मर्जी सोल्यूट डाल दो, ए और बी के दरमियान जो रेशियो रहेगी वो कॉन्स्टेंट रहेगी, फॉर एग्जाम्पल के। तो ये कह रहे जी कि सोल्यूट की जो कंसेंट्रेशन है ना, सोल्यूट इन ए, सोल्यूट इन बी, ये इसका आंसर हमेशा जो है वो सेम आएगा, इनकी रेशियो का आंसर कॉन्स्टेंट रहेगा। जितना मर्जी आप सोल्यूट ऐड करते जाएं, वो इक्वली जो होता है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इस लॉ को ये चीज जो है वो फॉलो करती है, ये बात आपने याद रखना। अब आपकी बुक में एक और एग्जांपल दी हुई है सॉल्वेंट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की, उसको हम देख लेते हैं। कह रहे जी आयोडीन आयन, आयोडीन जो है, आयोडीन की डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखनी है। आयोडीन हमारा सोल्यूट है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा दो सॉल्वेंट के अंदर। नंबर वन सॉल्वेंट क्या है, वाटर विद के आई, वाटर के अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी में पोटेशियम आयोडाइड मौजूद है, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ के आई, और दूसरा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये आपके पास दो जोनसे हैं ये सॉल्वेंट। I2 की डिस्ट्रीब्यूशन को हमने स्टडी करना है कि जो आयोडीन है वो किस से किस में जाएगी। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या किया, I2 को डाल दिया वाटर के अंदर। ठीक है, आपने क्या किया, I2 को डाल दिया वाटर के अंदर। अब वाटर विद के आई का क्या मतलब है कि पानी के अंदर ये सॉल्ट है ये जाके इस शक्ल में मौजूद होगा। जब भी हम नमक किसी पानी के अंदर डालते हैं ना, तो वो आयनाइज हो जाता है। तो के आई का क्या मतलब है कि पोटेशियम और आयोडीन के आयन जो होते हैं वो उसके अंदर मौजूद है। अब बाहर से सोल्यूट आया आयोडीन का, ये जो आयोडीन आएगी I2, ये जाके अंदर रिएक्ट करेगी इस वाले आयन के साथ जो कि ऑलरेडी वहां पे मौजूद है, और क्या बना देगी, I3 नेगेटिव आयन। अब ये जो I2 है, ये भी हमने बात की है कि वाटर के अंदर कम डिजोल्व होना है और तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर ज्यादा डिजोल्व होता है। तो ये क्या है, सोल्यूबल किसके अंदर है, CCl4 के अंदर, और ये चूंकि आयन है तो ये वाटर के अंदर एग्जिस्ट करेगा, तो ये सोल्यूबल है इन वाटर। ठीक है, हमारे पास वाटर के अंदर आयोडीन वाला आयन मौजूद था, बाहर से I2 आया, इसके साथ रिएक्ट किया और ये बन गया। अब आपने बाहर से डाल दिया CCl4। जब आप CCl4 डालेंगे तो क्या होगा, ये जो I3 आयन है, अभी देखे ना ये दोनों तरफ रिएक्शन जा रहा है, तो ये इक्वल क्वांटिटी में जितने ये हैं उतने ही ये हैं। जब बाहर से CCl4 आएगा तो CCl4 के अंदर ये चीज सोल्यूबल है, तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये I3 जो पानी के अंदर मौजूद था ये निकलेगा, टूटेगा उसी तरीके से, ये बना देगा और I2, और ये I2 आपका जो होता है CCl4 के अंदर आना शुरू हो जाएगा। जब आप उसको शेक करेंगे, इसको हिलाते क्यों हैं, ताकि आपस में इनका जो कॉन्टेक्टिंग टाइम है वो ज्यादा हो जाए और ये
एक फेज से दूसरे फेज में आ जाए। तो जब आप बाहर के CCl4 ऐड करते हैं तो ये जो I3 आयन पानी के अंदर बना हुआ था ये टूटता है, ये इस तरफ रिएक्शन जाता है इसके अंदर, ये वाटर के अंदर रहता है और ये I2 जो है CCl4 के अंदर आना शुरू हो जाता है। अब ये जो I3 पानी के अंदर मौजूद था इसकी वजह से वाटर का कलर ब्राउन था, लेकिन जब आपने CCl4 डाला तो इसकी क्वांटिटी कम हो रही है, ये जो है I2 इसके अंदर आई जा रहा है, ये रिएक्शन इस तरीके में इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा, I3 टूटते जाएंगे I नेगेटिव के अंदर और I2 के अंदर। ये I2 जो बनेगा ये CCl4 के अंदर आ गया तो मतलब I3 की क्वांटिटी कम हो गई, तो ये जो ब्राउन कलर था पहले वाटर का ये फेड होना शुरू हो जाएगा, ये चेंज होना शुरू हो जाएगा किसमें, पर्पल में। अब पर्पल किस चीज का कलर है, पर्पल इस चीज का कलर है कि जब I2 CCl4 के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसका कलर पर्पल होता है। तो जो ब्राउन कलर था पहले I3 का वो I3 वाटर से निकल के चूंकि इसके अंदर जाता जा रहा है तो I3 के कम होने की वजह से इसका जो ब्राउन कलर था पर्पल कलर के अंदर चेंज होता जाएगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि एक फेज से आपका सोल्यूट निकल के दूसरे के अंदर चला। फिर उसी तरीके से आप इनको अलहदा कर लेंगे और आपके पास दो लेयर बन जाएंगे, लेयर 1 लेयर 2 और आप इनको सेपरेट कर लेंगे और आपके पास क्या होगा वो आ जाएगी। एंड पे वो आपको इसकी इक्वेशन भी बता रहा है K=2, वही वाली बात है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, वो कह रहा है जी K के अंदर क्या होगा, जो आपका I2 है इन CCl4, CCl4 के अंदर I2 था और I3 इन H2O वाटर, I3 माइनस वाटर के अंदर ये चीज थी और CCl4 के अंदर ये चीज थी, ये हमने पढ़ी है। इन दोनों की जो रेशियो है वो क्या कह रहा है कि ये कॉन्स्टेंट होगी, नो मैटर कि आप बाहर से कितना I2 डालते जा रहे हैं, जितना मर्जी I2 डाल लें इन दोनों फेज के अंदर जिनकी रेशियो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट आएगी। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था कि क्या करता है, सोल्यूट अपने आप को दोनों सोलवेंट्स के अंदर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है कि उनकी रेशियो जो होती है वो कॉन्स्टेंट रहती है। तो ये हमारा सोलवेंट एक्सट्रैक्शन था। तो आज के टॉपिक में हमने दो चीजें पढ़ी, सब्लिमेशन इन डिटेल कि क्या होती है और क्यों करते हैं, और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन विद 2 एग्जांपल, एक ईथर वाली वाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली और एक ये आयोडीन इन वाटर एंड ऑर्गेनिक, CCl4 भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसलिए आपस में मिक्स नहीं होते, तो वाटर एंड CCl4। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब हमारे सेकंड चैप्टर का सिर्फ एक टॉपिक आखिरी रह गया क्रोमेटोग्राफी, और उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर भी जो है वो खत्म हो जाएगा।